हार फेर किया जा रहा है यहाँ पे, हो गया बांध। करो बुआ जी। नाश्ता पानी आ गया, दावत देखो हमारे लिए आया सबसे पहले। देखो छुपी रुस्तम पीछे से बोल रही है, हमारी पिंकी भाभी यूं कह रही है मेरी जींस पहन लियो भाभी। सही बात, तो मतलब मैं तो बिल्कुल पहन लियो, और कह तो रही ऐसा फिर तो मैं हो जाऊंगी, जिम का खर्चा दे दियो। देवर कैसे, तो देवर बड़े फ्री में करवा रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल, दिस रश्मि त्यागी। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो गाइज आज है हमारे यहाँ पर बांध का फंक्शन, तो आ जाइए व्लॉग पर देख लीजिए किस तरह से बांध किया जाता है। और अभी यहाँ दिखाती हूँ आपको किस तरह से लोग ड्रेसअप है, येल्लो येल्लो, ये देखो। तो बहुत ही अच्छा व्लॉग होने वाला है, आ जाइए देख लीजिए। तो व्लॉग स्टार्ट हो गया गाइज। तो गाइज आज जाना है बांध में, तो जल्दी से हो जाते हैं रेडी क्योंकि 11 बजे का बुलावा है और 10:15 बज चुके हैं। तो मुझे अभी घर का भी काम खत्म करना भी थोड़ा सा रह गया है। तो देखिए ये वाली साड़ी वियर करने वाली हूँ और मैंने आयरन कर ली है इस पर, और अभी मेरे को बैंगल्स मैच करनी है। तो देखो जैसे कहते हैं ना कि येल्लो कलर की साड़ी पहननी होती है क्या, अभी तो सभी मैच करके ही पहनने लगे हैं, पीला पीला होता है सब हल्दी में। तो देखिए मैं कंफ्यूज हूँ कि इसके ऊपर एक ब्लाउज ये है साड़ी पर और एक ब्लाउज ये है, तो कौन सा वाला पहनूं जो ज़्यादा अच्छा लगेगा कंट्रास्ट में, तो कंफ्यूजन हो रहा है अभी। तो देखते हैं अभी जो भी पहनूंगी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो देखिए तीन नेल पेंट निकाली हैं मैंने, एक ये वाला कलर है, एक ये वाला कलर है और एक ये वाला। तो अभी मैं सोच रही हूँ पैरेट ग्रीन ही ट्राई करती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसमें, और मेरे पास ना ये वाली लेस भी है, आजकल बहुत देखा होगा आपने चल रही है ना बेल्ट टाइप कुछ इस तरह की लेसेस, तो मैंने निकाली, अगर अच्छी लगेगी तो लगा लूँगी, नहीं तो कोई बात नहीं है। और बैंगल्स का सेट मैंने इस तरह से सेट कर दिया, ये देखिए है ना सही लग रहा है ना। तो अभी आप देखना पहनने के बाद। तो गाइज बज गए हैं 11, तो मैं हो जाती हूँ रेडी। मम्मी ने टाइम दिया था 11:15 का, लेकिन मुझे नहीं लगता 11:15 मिनट में रेडी होंगी, आधा घंटा तो लगेगा ही, अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है अभी। तो हो गई हूँ अभी रेडी, लगा ली है मैंने बेल्ट भी, अभी चलती हूँ, मम्मी की कॉल आ गई है वरना लेट हो जाऊंगी, सीधा आपको वहीं चल के मिलती हूँ। तो देख लीजिए रेडी हो गई हूँ, अभी प्रॉपर आपको बाहर जाके दिखाऊंगी क्योंकि देखिए अभी टाइम दिखाती हूँ आपको घड़ी में कितनी जल्दी से रेडी हुई हूँ। अभी 11:30 बजे नहीं है, फटाफट से बाहर चलती हूँ, पर्स लेती हूँ, नेल पेंट रह गई, चल रहे हैं। पता लेट हो गए, मैं मेरा डिसाइड नहीं था ये साड़ी पहननी है इस चक्कर में, तो अभी चलते हैं, सभी रेडी हो गए हैं। ये भी बांध में जा रहा है ना तैयार होके। दर्श आज आपकी मम्मी तो पार्टी जा रही है, हैं? तो अभी आ गए हैं हम, सभी वेट कर रहे हैं, फोन भी आ गया कि आए नहीं हूँ इतना लेट हो गए। तो सही है, हम सही टाइम पाए इसका मतलब। नमस्ते, इसने शगुन कर दिया आते के साथ ही। चलो बुआ जी पैर दबा रही है, भी तू आराम से दबा। ओहो, तो बुआ जी पांव तो हमेशा दबाते हैं। तो अभी हम आ गए हैं और ये देखिए मुझे कितनी गर्मी लग रही है, अभी फैन चलवाया है हमने और आज पूजा नहीं आई है, उसको जाना है पार्टी में, तो इतनी फटाफट से रेडी हुए हैं ना, बस पूछो मत। हाँ बुआ जी, है बुआ जी, ये भी कह रही है, ये भी कह रही है, बालों की कटिंग ना कराऊं, करवा ली बुआ जी, करी हुई तो है देखो बुआ जी, मोल्डन हमारी कह रही बालों की कटिंग करा ले, बालों की कटिंग तो करा रखी बुआ जी, बड़े हो गए थोड़े से बाल, क्या बुआ जी कह रही है इतनी इतनी कटिंग करा ले, है बुआ जी अच्छी लगूंगी मैं, ठीक है तो आपकी बार छोटे इतने इतने कटवाऊंगी, पूजा ने करवाए आपकी बार छोटी छोटी बुआ जी, पूजा ने करवाए हैं, हाँ उसने इतने इतने करवा लिए, ठीक है अब की बात अभी तो ना करवाई, अभी करवा के आई हूँ, अभी थोड़े से शादी वादी हो जाएंगे, जूड़े वूड़े बनवाने पड़ते हैं कभी, ये बाद में,
अच्छा तुम्हें दिखाना हूँ ठीक है बाबू गेम खेल रहा है स्टार्ट हो गए हैं मम्मी गाना गा रही है देखो बन्ने के गाने गाए जा रहे हैं अभी हमसे भी कहा जाएगा बन्ने गाओ फिर गाएंगे बन्ना भैया को दिखाती हूँ यहाँ पर तो गीत चल रहे हैं और संभाल ली है बताशों की हेलो भैया कैसा लग रहा है शादी होने वाली है शादी के बाद ही पता चलेगा बर्बादी होने वाली है अभी तो चांस है भैया भैया इतना सामान मिला सगाई में अब क्यों तुम मतलब ऐसे लग रहे हो मुझे उदास उदास से है मुझे तो लग रहा है भैया ना है गाड़ी मिली गाड़ी का क्या करें गाड़ी है तो पास नहीं भाई लड़की बहुत सुंदर है सही में लड़की बहुत अच्छी है हाँ लड़की बहुत बढ़िया भैया ऐसे ही ना मिलती है बहू बड़े जतन करने पड़ते हैं बाद में बता दूंगी फोटो क्लिक कर देना तो भैया ना बड़े खुश हो रहे हैं जल्दी से फ्री हो जाओ अभी तो आला लगे चलिए अच्छा और उसकी वो खा खाएगी चलो जी वार फेर किया जा रहा है यहाँ पे हो गया बान करो बुआ जी अरे 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 भैया भाई रपट मत जाना तो अभी सभी वार फेर कर रहे हैं हम भी कर दे घुमा के कर दिए भैया 50 रुपए करे सबने 10-10 रुपए करे देखो लो लो
मम्मी लो वार्पेट। ओ ये हमारी हमारी मैडम आगे कह रही तबीयत खराब है। ओ देखो तो मतलब कहाँ से खराब है, अभी बाहर आ जाओ तो जल्दी कर करो। तो यहाँ पर ननंद रानी आ रही है सबसे लेट। माय गॉड ये देखो वो तो देख लेती है यूट्यूब पे डालती हूँ। टाइम मिल गया। ये देखो इनके बहाने चले हैं आते के साथ ही कि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं लेट आई हूँ। यूं बता दो क्या कर रही हूँ मैं, यूं कह दो मैं तैयार होने में टाइम लगाऊ। रिकॉर्ड तोड़ दिया, 2 मिनट में होएगी रही हूँ तो 5 मिनट में लेट हो गया ये। ये देखो भाई अभी ना गाने गाएंगी है, तुमने गाना नहीं सुना है, गाने निकल आते गाने जब पता गाने गाते ना जब सब याद रहे तो कोई कहते गाना गाना गाओ तो दिमाग से निकलते बाद में याद आएंगे। मैं सोच रही मैं कोई मतलब गाना याद रहे। हाँ मम्मी अभी गाएंगे यही बात चल रही थी बनने की, ये सुनाएगी बंदे का। दुकान पर है मैं, रात मिले रात को भी जाते छोड़ दे। नाश्ता पानी आ गया, दावत देखो हमारे लिए आया सबसे पहले। बहुए खाएंगी ना, पता है बहुए बहुत खाती है, सेहत बना रखी है बहुओं ने मम्मी है ना। अब ये कह रही है हमारी सासू माँ से कह रही है भाई कोल्ड ड्रिंक पी लो, कह रही गला खराब हो जाएगा अभी गीत गाने हमें है। सही बात है, बहू पियेंगी बहू करेंगी अपना गला खराब है दीदी। इसे देखो कैसी हंसी आ रही है। हाँ यूँ कह रही है पी लो जी, यूँ कह रही है जीन्स पहन के दिखाओ तो शादी में जीन्स पहन के चलने भी तो है बरात में घर से बाहर निकाल देगी सासू माँ, यूँ बता रही हूँ। अभी देखो मम्मी ने ये बात कही है कि जल्दी से पी लो और खा लो फिर तुम्हें गीत गाने बताओ, इसलिए सेवा की जा रही है हमारी गीत गाने ये गाएगी है नई बहू हमारी। भाई देखो हम पुराने हो चुके हैं, ये ना कुछ नई है तो ये गाएगी आज, इसको ज्यादा सेवा करो ये गाएगी। ये तक दबा के खा रहे लड्डू खाया उसने, एक दबा लगाएगी नया 9 दिन पुराना 100 दिन। सही बात है पुरानी काम आ रहे, ये भी पुरानी हो गई आज की। कैसे कह रहे हैं एक लुहार ना 100 सुनार की एक लुहार की, तो हम लुहार बता दें मम्मी ने। तेरे को छुपी रस्तम पीछे से बोल रही है हमारी पिंकी भाभी, यूँ कह रही है मेरी जीन्स पहन लियो है भाभी। सही बात, तो मतलब मैं तो बिल्कुल पहन लियो और कह तो रही हूँ ऐसा फिर तो मैं हो जाऊंगी जिम का खर्चा दे दियो। देवर कहते हैं देवर बड़े फ्री में करवा रहा है, मैं क्या फ्री में कराऊंगी। अरे जेठानी तो ऐसी हो ठीक है सब फ्री में करवा दें जेठानी, कर ले पक्का डन। जीन चाहिए जीन तो बुआ जी दिलवाने को तैयार है तुझे अकेले को। बुआ जी पार्टी देंगी हमारी दीदी और सारी जो केक बनाई है उन्होंने कोड कर दिया कि जीन टॉप पहनो, बुआ जी दिलवाएंगी ना, बुआ जी ने कहा था शुरू में दिलवा दूंगी। अरे बुआ जी ने, अरे पहले मम्मी बात सुनो मुझे में ले जाएंगे। सुनो तो मुझे क्यों कही है, मैं सब में मोटी हूँ मेरा आने की नहीं है और तुम सब पतली हो। तो अब जब बुआ जी यूँ कह रही इसके नाने की बिचारी के ये ना देने की कोई, तो मैं दिलवा दूंगी इसे। और क्या इसे कह रहे जग लुट गया भाई, और दीदी को कोल्ड ड्रिंक लो दीदी दीदी कोल्ड ड्रिंक लो, अरे ले लो नहीं इनकी वैसे भी मम्मी अगर साड़ी पहन का होगी ना आप भी तो बाहर, नो एंट्री नो एंट्री है। चाची जी आपको है अंदर पहनवा देंगे चिंता मत करो। और क्या मम्मी कह रही है इन बहुओं की छुट्टी करो मुझे दिलवा दो पैंट, मैं पहन सकूं। बुआ जी आज पार्टी देने का पूरे मूड में, यूं कह रही है पैंट पार्टी, पर पैंट दिलाने की मूड में नहीं है। बुआ जी पैंट तो दिलवानी पड़ेगी, यूं बताओ पैंट के बिना नहीं आगे, पैंट पैंट पेंट मत दिलवा दियो,
कभी पेंट करवाने लगो हमसे घर में। दीदी दीदी थान खरीद के लाएंगे, थान थान सत्यम कैसे और सुंदर टेलर से सिलवाएंगे हैं अभी तो सब मुझे वो भी ले लेगा सुंदर टेलर भी। हाँ बताशे बताशे दे रही बुआ जी, तो बुआ जी रहना चाहे कोई रसगुल्ले देती, क्या बताशे दे रही, कौन खा रहा बताशे बुआ जी है, बुआ जी कुछ तो खर्चा कर लेती भतीजे के बिलाव मैम, कुछ तो खर्चा कर लेती रसगुल्ले बटवा लेती बुआ जी, यूँ कहती थी भतीजे का ब्याह बर्बाद करना। तुम तो साइड किसकी ले रही, बुआ की ले रही मेरी ले रही, ये बता दे। हाँ जी खर्चा, अरे तो कभी कभी मिले आज ना पता बुआ को कपड़े कितने लेके चलती बुआ जी, क्या पता बहुत चीज ही लिया है कुछ है बुआ जी, तुम इतनी अच्छी हो ये बैग लिया हो बस निकाल कर छोड़ो, बोलो बुआ जी दो चार तो मिल गई होंगी अच्छी। तो बुआ जी लेके आइए बतासे ले लो, कभी भूल जाओ बतासे जरूरी है सबसे ज्यादा। अभी बान हो चुका है तो सभी खाना खा रहे हैं, अभी खा लेते हैं हम भी, हमारा भी आ गया हम तो अभी खाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाता है फोन लेके खाना, और यहाँ पे पूरी सब्जी बनी हुई है तो पूरी सब्जी इंजॉय करेंगे और बहुत अच्छा लगता है अब साथ में खाना। ये देखिए ये तो बैठ चुकी है और मैं भी खाने वाली हूँ। दीदी ने कर लिया है चेंज, येलो येलो हो गई है फिर से, बेचारी परेशान हो रही है, बच्चे का साथ है ना तो इस वजह से साड़ी चेंज कर ली गई है यहाँ पे। मैं मम्मी 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 सभी के घर में यही है, आप यू मत समझो। अभी खा लिया है हमने और यहाँ बातें चल रही है, स्कूल टाइम की दीदी खा रही है पराठा, देखो बैठी हुई पूरी छोड़ के पराठा लाई है, कह रही पनीर का पराठा है। तो हम बात कर रहे हैं कि स्कूल टाइम में ना पूरी मतलब पराठे लेकर जाते थे तो अचार के साथ खाया करते थे तो इतने टेस्टी लगते थे ना, और उनकी स्मेल इतनी अच्छी लगती थी ना क्या ही बताऊं आपको, मजा आ जाता था उस टाइम को याद करके। और कहते हैं ना कि जब स्कूल टाइम होता है तो ये सोचते हैं कि स्कूल से कब निकलेंगे, स्कूल नहीं जाना, लेकिन जब अब निकल चुके हैं बड़े हो चुके हैं तो अब याद आती है कि काश हम स्कूल टाइम को फिर से इंजॉय करें। तो देखिए यहाँ पे इंजॉय कर रही है पराठा। माँ जी नमस्ते, माँ जी फोटो देख रही, वीडियो बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ बन गया। हाँ सारी वीडियो मिलेगी तुम्हें बान की, कल कुछ देख लियो कैसे कैसे बान हुआ क्या क्या करा, और सगाई की भी देख लेना, रिंग सेरेमनी की भी बनाई थी मैंने। हाँ देखिए माँ जी कह रही कहा देख लियो, रिंग की दीदी दिखा देगी मेरे बाल को दिखा दे, ठीक है देख लियो कल कुछ लोग आएगा आ जाओ भाई, सब फोटोग्राफी चल रही है यहाँ पर, पे की जा रही है फोटोग्राफी। आप सब ओल्डन हो चुके दीदी, तो कोई भी माइंड नहीं करता हमारे, तो मम्मी खुद कहती है कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों हीरोइन देखो तो यहाँ पर की जा रही है फोटोग्राफी। सो आपको एक और यूट्यूबर से मिलवाती हूँ, हेलो, तो क्या नाम है आपके चैनल का? लाइक दीदी। सो गाइज अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो इनको भी सब्सक्राइब कीजिए, हाँ मेरे को भी कीजिए, इन्हें भी कीजिए सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट भी कीजिए, तो सारा वीडियो भी पार दें, और कुछ हेल्प इन्होंने भी किया आज मेरी वीडियो बनाने में, तो थैंक यू सो मच। तो अभी मिलते रहेंगे, बहुत सारे फंक्शन होते रहेंगे, और यहाँ पे देखो ये अमरूद का पेड़ पकड़ के खड़ी है, कैसे सारे अमरूद तोड़ोगी हमारे वाले। तो फोटोग्राफी की जा रही थी, मजा आया सबके साथ बहुत ज्यादा, और बताशे मिले हमें तो चाय बना के पियेंगे इनके साथ फीकी वाली फिर कमर कैसे खाएंगे, और दीदी बताशे कैसे खाते बता दो, कैसे मतलब चाय तो फीकी बनाएंगे इन्हें डालेंगे
थैंक यू सो मच। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस।